हेलो भाई, कैसे हो आप लोग? तो भाई, किया कैरेंस का ये टॉप मॉडल है। मैंने जैसे सफारी का, उसके बाद क्रेटा का, मैंने एक नाइट में ओवरऑल इसका एक्सपीरियंस दिया था आप लोगों को कि जितनी भी गाड़ी में लाइट्स हैं, जैसे एक्सटीरियर में हो गई, इंटीरियर में हो गई, एम्बिएंट लाइट हो गई, तो रात के टाइम में बेसिकली कैरेंस लगती कैसी है वो हम इस वीडियो में चेकआउट करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं फ्यूचर में भी लाऊँगा। तो यहाँ पे अभी आप देख रहे हो गाड़ी के DRLs और गाड़ी के फॉग लैंप्स जले हुए हैं, तो ऑन है, और हेडलाइट मैं करके दिखाऊंगा अंदर से। तो सारा ये पूरा जो एक्सपीरियंस है मैं अंदर से दिखाऊंगा कि कैसा हेडलाइट का थ्रो है या कैसा इन फॉग लैंप्स का थ्रो है, तो उसको चेकआउट करेंगे। सो यहाँ पे अगर मैं स्टार्ट करूँ इसके फ्रंट से, तो आपको स्टार मैप LED DRLs फ्रंट में मिल जाएंगी, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही है देखने में। नीचे आइस क्यूब आपको फॉग लैंप्स मिल जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे आपको जो हेडलाइट मिलती है, मैं एक मिनट ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे ये लो बीम का है और यहाँ पे आपको हाई बीम का मिल जाता है। सो ये कुछ लाइट यहाँ से दिखती है अगर आप फ्रंट से देखते हो, भाई प्यारी तो बहुत लगती है। और सिर्फ DRLs पे अगर आप देखते हो तो ऐसा कुछ लुक आता है निकल के, जो कि बहुत ही कमाल का है। यहाँ पर आपको मिल जाते हैं इसमें टर्न इंडिकेटर्स जो आपके ORVMs पे होते हैं, और गाड़ी जब अंदर से लाइट में आपको दिखा दूं, सारी लाइट्स ऑन है गाड़ी के अंदर की, तो ऐसा कुछ प्रो आ रहा है। बाहर से ऐसी एम्बिएंट लाइटिंग दिखती है, अंदर से भी दिखाऊंगा। गियर नॉब के अराउंड भी एम्बिएंट लाइट है। देन ये कुछ रीडिंग लैंप्स आपके गाड़ी के अंदर की, तो पूरी वाइट कलर की है तो बहुत अच्छी लग रही है, स्पेशली इस रेड कलर पर अगर आप देखते हो। अभी यार रात हो गई है इसलिए थोड़ा कैमरा क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी ड्रॉप आपको लग रहा होगा, बट स्टिल बंद करें तो वो आराम से पहले बंद हो जाती है लाइट। सेम आपका जैसे ही चालू करूँ यहाँ पे, ये देखो पूरा वाइट एकदम ग्लो आता है। एंड कुछ एम्बिएंट लाइटिंग लॉक करने पे वो स्मूथली टर्न ऑफ होती हैं, ये देखो हो गई। तो ऐसा कुछ है यहाँ पे। एंड ऑल्सो ये वाले डोर पे, अब ये टॉप मॉडल है लग्जरी प्लस, तो इसमें आपको इस वाले डोर में वेलकम लाइट मिल रही है, किया का लोगो प्रोजेक्ट होता है, तो यस ये देखो वो चीज़। तो यहाँ पे लोगो प्रोजेक्ट हो रहा है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। एंड बात कर सेम वही साइड पे, ये फ्रंट में नहीं होता, सिर्फ आपको रेयर में मिलेगा। ये आपकी हो गई स्टार मैप LED टेल लैंप्स, जो कि बहुत अच्छी लग रही है देखने में। यहाँ पे आपके जो टर्न इंडिकेटर्स हैं वो हैलोजन में ये वाले 3 हो गए, और ये आपकी रिवर्स लाइट हो गई यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं अकेला हूँ इसलिए मैं वो जला के तो नहीं दिखा सकता, स्पेशली ये हाई स्टॉप जो आपको माउंट लैम्प मिल रहा है। एंड ऑल्सो ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा रिफ्लेक्टर है किया सोनेट की तरह। नीचे यहाँ पे नंबर प्लेट लाइट जो है वो येलो कलर में है, ओके, ये चीज़ वाइट नहीं है। और जैसी हम इस गाड़ी के बूट को देखते हैं, तो बूट में आपको एक लगेज लैम्प यहाँ पर दिया जा रहा है। उसके अलावा आपको ऐसा कुछ लेआउट का लुक आ रहा है, पूरा बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, वाइट कलर में जो निकल के आ रहा है। अब ये हैं पूरी एक्सटीरियर की लाइट्स, ठीक है। बाहर से बेसिकली गाड़ी रात के टाइम में लग कैसे रही है, अब भाई अंदर से चल के दिखाता हूँ अंदर क्या हिसाब किताब है पूरा पूरा। तो पहले तो मैं गाड़ी है ना, इसको सेंटर में ले लेता हूँ, फिर देखते हैं कि अंदर से वो डोर ओपन हो पाएगा ना, फिर चेकआउट करते हैं इंटीरियर की लाइट्स। सो यस भाई, मैंने बीच में ले ली गाड़ी। अब यहाँ पे कुछ भी एज सच आपको पेडल लैम्प तो नहीं मिल रहे गाड़ी में, बट एम्बिएंट लाइट आप देख सकते हो यहाँ पर, बहुत प्यारी लग रही है देखने में। इवन यहाँ पे मिल जाती है आपको अगर आप क्लोजली उस चीज़ को देखते हो, तो बंद गाड़ी में है ना वो पूरा एक कंटिन्यू होता है पार्ट वहाँ से लेके यहाँ तक, और ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। देन उसके बाद अगर मैं गाड़ी को टर्न ऑन करके दिखाऊँ कि कहाँ कहाँ इल्यूमिनेशन लाइट आपको मिलती है इस गाड़ी में, तो यस, तो यहाँ पे मैंने गाड़ी को स्टार्ट कर लिया है, ओके। उसके अलावा ये चीज़ बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें अगर आप देखते हो, हर एक बटन विंडो कंट्रोल्स जो हैं आपके, वो आपको इल्यूमिनेटेड मिलते हैं। सिर्फ जो आपका ORVM कंट्रोल्स है, ये आगे वाला, अगर मैं आपको लाइट चालू करके दिखाऊँ, ये वाला जो कंट्रोल है, ये चीज़ है ना, आपको वो नहीं दिखाता है, क्या बोलते हैं, वो इल्यूमिनेटेड नहीं है। बाकी सारे आपके इलेक्ट्रिक विंडोज़ इल्यूमिनेटेड आपको मिल रहे हैं। ये चीज़ काफ़ी अच्छी लग रही है।
बंद गाड़ी में एम्बिएंट लाइट, मतलब अपनी कैबिन लाइट बंद करते हैं तो ऐसा कुछ पूरा लुक आता है और बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। अभी करंटली टायर प्रेशर इस गाड़ी का कम है यहाँ पे, सो अच्छी लग रही है देखने में ये एम्बिएंट लाइट। एंड आप देखते हो स्टेयरिंग जो आपके कंट्रोल्स हैं ये सब बटन्स इल्यूमिनेटेड हैं। रात के टाइम में कुछ ऐसा स्पीडोमीटर आपको दिखेगा। ड्राइव मोड अगर सेलेक्ट करके देखते हैं तो ये रेड कलर का स्पोर्ट मोड आ गया। उसको अगर मैं रेव करता हूँ तो ऐसा कुछ लुक आता है, और अगर उसको हम नॉर्मल मोड पे डालते हैं तो कुछ ऐसा एक्वा कलर आता है निकल के, बहुत अच्छा लग रहा है ये वाला पार्ट देखने में। ये इको मोड है तो ऐसा कुछ है। इवन यहाँ पे एम्बिएंट लाइट ये अच्छी लग रही है। आपके जो इंफोटेनमेंट का स्क्रीन है उस पर भी आप देख सकते हो हर चीज़ बहुत अच्छा। ये जो पर्पलिश कलर दिया है इन लोगों ने वो बहुत अच्छा है। सेटिंग में अगर जाते हैं तो यहाँ से जनरल में अगर स्क्रीन की ब्राइटनेस हम बढ़ा पाएँ तो वो चीज़ अभी तो खैर मिलने से रही, बट ठीक है। अब अगर इसकी मैं थोड़ी फुल कर दूँ हेडलाइट बंद करके, अच्छा वो इतना ही है तो ये कुछ है यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिखा रहा है। ये खैर फीचर्स हैं तो ऐसा कुछ लाइट आता है वो चीज़ अच्छी लग रही है। यहाँ पैनल पे हर चीज़ इल्यूमिनेटेड है, इवन एसी के कंट्रोल्स रात के टाइम में कैसे लग रहे हैं यहाँ पे हर चीज़ इल्यूमिनेटेड है आपकी। ये वाली पार्ट, ये जो लाइट ब्लिंक हो रही है ना, ये वाली ये हो रही है, यहाँ पे एक लाइट है, हाँ वो देखिए वो उसकी वजह से ये हो रहा है, वरना तो ये कोई एम्बेड लाइट का ये नहीं है। तो ऐसा कुछ है। आपके जो पोर्ट्स हैं यूएसबी पोर्ट हो गए, यहाँ सी टाइप पोर्ट हो गया वो भी इल्यूमिनेटेड है। यहाँ पे 12V का सॉकेट, हालांकि उसके अराउंड कुछ नहीं है, बाकी तो आप देख सकते हो सब। ट्रांसमिशन की बात करूँ तो वाइट कलर की लाइट, और हर जगह बटन्स पे जो होना चाहिए वो वाइट दिया है, ये चीज़ अच्छी है तो ये अच्छा लग रहा है देख के। ग्लास होल्डर के पास ऐसा सच कोई लाइट वाइट का कुछ सीन नहीं है। यहाँ लाइट आप देखो, कैबिन लाइट्स कितनी पावरफुल, और कैबिन कितना भाई लिट अप हो जाता है वो बहुत अच्छा लग रहा है देख के। तो ऐसा कुछ है। इसके ग्लव बॉक्स के अंदर तो कुछ भी नहीं है, वैनिटी मिरर के साथ कोई लाइट है नहीं वैसे, तो ऐसा कुछ है भाई पूरा, और ये अच्छा लग रहा है देखने में, आप बताओ। अब पीछे वाला कैबिन चेकआउट कर लेते हैं और पीछे क्या क्या लाइट्स हमें यहाँ पे दे रहे हैं, और फिर हम चेकआउट करेंगे। इसकी जो हेडलाइट का थ्रो है वो आपको बताता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो एम्बिएंट लाइट यहाँ पर भी है, वो किया का लोगो आप देख सकते हो जो प्रोजेक्ट हो रहा है वेलकम लाइट। यहाँ पे अगेन वही चीज़ सेम है यहाँ पे। एंड अगर आप देखते हो इस चीज़ को यहाँ पे आपको मिल जाता है इसमें एयर प्यूरिफायर, ये चीज़ हर एक चीज़ यहाँ से ही कंट्रोल कर सकते हो, जो है फैन स्पीड एंड ऑल सब मोड यहाँ से। तो अभी फ़ैन फुल कर दिया है, बहुत आवाज़ करता है बाय द वे ये, तो अभी हम इसको लो पे ही रखेंगे। एंड यहीं से आप डिस्प्ले को कम भी कर सकते हो, ये देख रहे हो बंद हो गया, ये फुल ब्राइटनेस पे इसको कम कर लो। तो ऐसा कुछ है पूरा पूरा, तो हर चीज़ यहाँ पे है। इवन इसके जो ये पार्ट है ये भी इल्यूमिनेटेड है। अगर मैं लाइट बंद करके आपको दिखाऊं, जस्ट अ सेकेंड, यस यहाँ पे देखते हो यहाँ पे आपका जो एसी का डायल है जो फैन स्पीड आपको ये करता है, ये वाला पार्ट रेड और वाइट के साथ है। दोनों सी पोर्ट नीचे के इल्यूमिनेटेड है अगर आप देखते हो वो वाले, एंड ये दोनों, एंड उसके अलावा तो ऐसा सच कुछ नहीं। हाँ ये वाले जो हैं कंट्रोल्स आपके विंडोज़ के, ये भी आपको पीछे भी इल्यूमिनेटेड मिलता है। और जो लास्ट रो आ जाती है आपकी, वहाँ पे आपको सी पोर्ट आप देख पा रहे हो चार्जिंग का, वो एक लाइट के साथ है सेम इस साइड पे। एंड पीछे तो ऐसा कुछ नहीं है, बाकी तो कैबिन लाइट्स बहुत ही अच्छी लग रही हैं देखने में, जो वाइट कलर की हैं। ऐसा लेआउट आता है, डैशबोर्ड का लुक आता है, ये देखो कितना खूबसूरत वो लगता ही है। खैर तो भाई अब बात करते हैं कि कैसा इनका हेडलाइट का थ्रो है, ठीक है, हेडलाइट का थ्रो कैसा निकल के आ रहा है वो देख लेते हैं एक बार। तो मैं यहाँ पे गाड़ी पहले सीधी कर लेता हूँ, यस ये हो गई अपनी गाड़ी सीधी, ठीक है। इसको डाल देते हैं पार्क मोड में, ओके। सो यस भाई अभी आप देखो सामने,
अभी गाड़ी की कोई भी लाइट नहीं जली है, आपकी जो ये हो जाती है हेडलाइट या DRL कुछ भी नहीं। अब पहले सिर्फ DRL यहाँ पे मैं आपको जला के दिखा देता हूँ, ये देखिए ये DRL है, ठीक है। अगर मैं थोड़ा लॉन्ग शॉट में दिखाऊं, ये देखिए ये DRL है, ठीक है। अब मैं आपको है ना फॉग लैंप जला के दिखाता हूँ, ठीक है। ये आपके फॉग लैंप हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो आपकी DRL डिम हो जाती है उसमें, तो ये फॉग लैंप है। अगर मैं बंद करके दिखाऊं, ये देखिए ये फॉग लैंप है, ओके। उसके बाद अगर मैं हेडलाइट का लो बीम है, ये लो बीम है, ठीक है। और हाई बीम अगर करके दिखाऊं तो ये हाई बीम है, यस। और ये आपके टर्न इंडिकेटर्स हैं, और पूरा एक साथ करके दिखाऊं अगर हाई बीम तो ऐसा कुछ है, पास देने के लिए जो हम देते हैं ना, तो भाई ये ऐसा कुछ है। बहुत ब्राइट है इसकी जो क्राउन ज्वेल LED हेडलैम्प्स है, बहुत ब्राइट है, ठीक है। तो ऐसा कुछ आ रहा है यहाँ पे, और अच्छी खासी पावरफुल लाइट्स हैं। तो भाई यस, ये है पूरा हेडलाइट और आपका जो पूरी लाइट्स के रिगार्डिंग किया कैरेंस में। भाई थोड़ा वहाँ पे ना लाइट्स ज़्यादा हैं, इसीलिए थोड़ा आपको समझ नहीं आ रहा, बट स्टिल ये पावरफुल लाइट्स हैं, बहुत अच्छी लाइट्स हैं। इसके नीचे वाले वेरियंट्स का भी मैं ऐसे रात के टाइम का, जो रात के टाइम का आपका ये होता है ओवरऑल व्यू होता है वो कैसा है वो आपको दिखाऊंगा। सो भाई ये है पूरा कैरेंस का, ओके, टॉप मॉडल, कैसे ये रात के टाइम में दिखता है। आई होप अभी आपको जो वीडियो है इन्फॉर्मेटिव लगा होगा डेफिनेटली, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना। सफारी एंड अदर व्हीकल्स का भी मैंने किया है, तो यस ऐसी कुछ दिख रही है टोटल, जो इसकी हेडलाइट है हाई बीम पे, DRLs और आपकी ये हो गई। तो ठीक है भाई, बहुत अच्छी तो लग रही है, पावरफुल है, सिर्फ फॉग लाइट मेरे को इतनी पावरफुल नहीं लगी, बट स्टिल बहुत सही लग रही है रात के टाइम में तो। और ये ब्लैक कलर, पहले मैं वो रेड वाली पे आपको वीडियो दिखा रहा था स्टार्टिंग पार्ट, बट जब मैं हेडलाइट का बताने लगा ना, वो गाड़ी चली गई थी टेस्ट ड्राइव के लिए, इसलिए मैं सेम मॉडल है लग्जरी प्लस, इसलिए इसमें बताने लगा ब्लैक में क्या लग रही है वो दिखने में, बताओ कमेंट सेक्शन में। सो भाई मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ, टिल देन बाय गाइस, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।